नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। थोड़ी देर में आपके साथ महासमर के मुद्दे पर हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा ले चलते हैं अलवर के तिजारा, जहां पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, यूपी के सीएम, और वो इस वक्त चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। विराजमान करके प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्यक्रम संपन्न होगा।
आप में से निकारा से कितने लोग वहां जाने के इच्छुक हैं, कितने लोग इच्छुक हैं? थोड़ा तिजारा लगता है कि अयोध्या जाने का इच्छुक है? आप मुझे एक बात बताओ कि आपका वोट रूपी आशीर्वाद कमल चुनाव चिन्ह पर श्री बाबा बालकनाथ जी को प्राप्त होगा? सभी लोग सहमत हैं? और मैं भी बाबा बालकनाथ जी से कहूंगा कि जयपुर में शपथ लेने के बाद 22 जनवरी के बाद तिजारा के राम भक्तों को लेकर के वे अयोध्या जरूर पधारे। अयोध्या की व्यवस्था को हम लोग देख लेंगे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, कल सायंकाल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, परसों एक दिन की छुट्टी रहेगी, उस दिन घर घर जाकर के कन्वेंस और फिर 25 नवंबर को पहले मतदान फिर। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, सभी लोगों की जमानत जब्त करेंगे। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं यहाँ के पूर्व विधायक श्री मामन सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरा उनसे आपसे संबंध नहीं, जब मैं सांसद था तब से मेरा उनसे संबंध है। वे लोकप्रिय विधायक के रूप में काम किए और जब बाबा बालकनाथ जी की घोषणा हुई उन्होंने कहा कि मैं भी बाबा बालकनाथ जी के साथ खड़ा होकर के उनका समर्थन करता हूं। आज मैं उनका स्वागत करता हूं। इस मंच पर आए हैं हमारे पूज्य संतजन, आए हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रीगण, आए हैं सांसद, अन्य जनप्रतिनिधिगण आए हैं। इन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करते हुए आप सबका आह्वान करता हूं 25 नवंबर को कमल चुनाव चिन्ह पर बाबा बालकनाथ जी को भारी बहुमत